Dear parents and students, assalamu alaikum. I am your teacher from Kitty Campus Montessori School. Today I am going to teach you my numbers book pre-3. Now open your book page number 56. So student, first of all we write down date here. इस दिन आपने काम करना है, आपने उस दिन की डेट लगानी है. डेट आपने हर पेज पर लाजमी लगानी है. Let's start. 2 bars of 10 are 20. 2 bars of 10 are 20. 2 bars of 10 and 1 more make 21. 2 bars of 10 and 1 more make 21. 2 bars of 10s and 1 more make 21. Tens, ones. Numbers name. ये हमारे numbers name हैं. हमने इनको address इधर लिखना है. 21. राइट इन फुल ब्लॉक. 21 आपने 2 times लिखना है. 21 इसी तरह से ये सारा पेज आपने कंप्लीट करना है. 22 23 24 25 26 27 28 29 30. कंप्लीट द पैटर्न. हमने ये नीचे वाला पैटर्न कंप्लीट करना है. हमें यहाँ पर कुछ शेप्स दिए गए हैं जिनके अकॉर्डिंग हमने इस पैटर्न को कंप्लीट करना है. तो हम देखेंगे स्क्वायर से बिफोर कौन सी ऑब्जेक्ट, स्क्वायर से बिफोर कौन सी शेप्स आ रही हैं और आफ्टर स्क्वायर कौन सी शेप्स आ रही हैं. तो सबसे पहले देखते हैं हम वर्ड्स कम बिफोर स्क्वायर. पहले हमारे पास है ट्राइंगल, तो हम स्क्वायर से पहले ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे. मैं आपको एक ड्रॉ करके बता देती हूँ, बाकी आपने खुद कंप्लीट करना है. सब चीज़ें आपने इक्वल ड्रॉ करनी है. व्हाट्स कम बिफोर ट्रायंगल? सर्कल. तो आपने यहाँ पर सर्कल ड्रॉ करना है. स्क्वायर. स्क्वायर. व्हाट्स कम आफ्टर स्क्वायर? रेक्टेंगल. तो आपने यहाँ पर रेक्टेंगल ड्रॉ करना है. यू मस्ट कंप्लीट दिस पेज बाय योरसेल्फ. नाउ मूव टू पेज नंबर 57. फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट डाउन डेट हियर. 3 bars of 10 are 30. प्रीवियस पेज में हमने पढ़ा था 2 bars of 10 हो तो वो 20 होता है. अब यहाँ पर है 3 bars of 10. 3 bars of 10 are 30. 3 bars of 10 and 1 more make 31. 3 bars of 10 and 1 more make 31. 3 bars of 10 and 1 more make 31. जैसा कि हमने प्रीवियस पेज कंप्लीट किया है पेज नंबर 56, आपने इसको एज इट इज कंप्लीट करना है. 31 31 32 33 34 35 आपने 2 times लिखना है. 36 37 38 39 40. और कोशिश करें कि पूरे ब्लॉक में लिखें ना, वर्ड ब्लॉक से ऊपर हो ना ज़्यादा नीचे हो, पूरे ब्लॉक में प्रॉपर लव्स बना के लिखना. मैं एक दफ़ा आपको फिर लिख के बता देती हूँ. कम टू द नेक्स्ट वर्ड. कलर द फर्स्ट वन एंड द लास्ट वन ट्री. ये हमारे पास 5 trees हैं. इनमें से जो फर्स्ट वन है उनमें हमने कलर करना है और जो लास्ट वन ट्री है उस पर कलर करना है. तो प्यारे बच्चों, फर्स्ट वन का मतलब है जो सबसे पहले वाला होता है. जैसा कि ये हमारे पास ट्री है, ये होगा हमारा फर्स्ट वन. और लास्ट वन का मतलब होता है सबसे एंड वाला, आखिर वाला. तो हमारे पास ये है एंड वाला ट्री, लास्ट वन. तो हमने फर्स्ट वन पे और लास्ट वन पे कलर करना है. आपने कलर अच्छे तरीके से करना है. सब फर्स्ट ऑफ ऑल यू मेक आउटलाइन. आउटलाइन बनाने के बाद आपने अप डाउन कलरिंग करनी है. ओके, दिस इज फर्स्ट वन एंड दिस इज लास्ट वन. नाउ मूव टू पेज नंबर 58. यू मस्ट राइट डाउन डेट हियर. बैकवर्ड काउंटिंग 42
21, बैकवर्ड काउंटिंग. तो प्यारे बच्चों, बैकवर्ड का मतलब होता है पीछे की तरफ जाना, बैकवर्ड पीछे की तरफ. 40, तो प्यारे बच्चों हमने 40 की बैकवर्ड लिखनी है. तो 40 की बैकवर्ड कहाँ से स्टार्ट होगी? 39 से. 39. इसी तरह से आपने पीछे जाते जाना है. 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30. तो 30 की बैकवर्ड होगी 29. इसी तरह से आपने इस लाइन को भी कंप्लीट करना है, बैकवर्ड जाते जाना है. काउंट एंड राइट. प्यारे बच्चे, काउंट एंड राइट का मतलब होता है काउंट करके लिखें. ये तो बहुत इजी है, ये तो आप सबका फेवरेट पार्ट होता है ना. काउंट एंड राइट का, आपने स्पून काउंट करने हैं और जो भी डिजिट आएगा वो आपने इस ब्लॉक में प्यारा सा करके लिख देना है. नाउ मूव टू पेज नंबर 59. क्रॉस द ग्रेटेस्ट नंबर एंड टिक द स्मॉलेस्ट नंबर. क्रॉस द ग्रेटेस्ट नंबर एंड टिक द स्मॉलेस्ट नंबर. तो प्यारे बच्चों, ग्रेटेस्ट होता है सबसे बड़ा और स्मॉलेस्ट सबसे छोटा. ग्रेटेस्ट सबसे बड़ा, स्मॉलेस्ट सबसे छोटा. हमारे पास ये एक मैट है जिसमें 3 डिजिट लिखे गए हैं. जो सबसे ग्रेटेस्ट होगा उस पर क्रॉस लगाना है, जो स्मॉलेस्ट होगा उस पर टिक लगाना है. 33, 23, 30. तो हमारे पास सबसे ग्रेटेस्ट जो है वो 33 है, तो हम इस पर क्रॉस लगाएंगे. स्मॉलेस्ट जो है हमारे पास वो है 23, तो हम इस पर टिक लगा देंगे. 40, 30, 21. एनीबॉडी टेल मी विच वन इज ग्रेटेस्ट? 40 इज ग्रेटेस्ट, क्रॉस इट. 21 इज स्मॉलेस्ट, टिक. 39, 29, 27, 37, 38, 39, 40, 38, 28, 21, 27, 37. अब इसी तरह से आपने एक एक पार्ट को कंप्लीट करते जाना है. नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. कंप्लीट द काउंटिंग का मतलब होता है जो भी ब्लैंक्स आपको नज़र आ रही हैं आपने स्टार्ट से काउंटिंग पढ़ते जाना है और उन ब्लैंक्स को फिल करते जाना है. जैसे हमारे पास है 22-24, फिर डैश. तो अब हम 22 से ऑनवर्ड पढ़ेंगे कि इस नेक्स्ट वर्ड्स कम नेक्स्ट टू 22, 23, 24, 25, 29, 30, 31, 32, 36, 37, 38, 39, 21, 22, 23, 24. आपने इसको कट करके इधर 4 लिख लेना है. 31, 32, 33, 34. सो स्टूडेंट, कंप्लीट दिस पेज बाय योरसेल्फ. नाउ मूव टू पेज नंबर 60. फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन डेट हियर. व्हाट कम्स नेक्स्ट टू? व्हाट कम नेक्स्ट टू का मतलब होता है कि जो भी हमें डिजिट दिया गया है उसके बाद क्या आता है. व्हाट्स कम बिफोर? बिफोर का मतलब पहले वाला. व्हाट्स कम इन बिटवीन? दरमियान वाला. तो प्यारे बच्चों, ये हम पहले काफ़ी दफ़ा पढ़ चुके हैं, तो आपने इस पेज को पढ़ के खुद सॉल्व करना है. मैं आपको एक फर्स्ट रो पढ़ के बता देती हूँ. 23, व्हाट्स कम नेक्स्ट टू 23? 24. 36, व्हाट्स कम बिफोर 36? 25, 21-23, व्हाट्स कम इन बिटवीन 21 एंड 23? 22. यू मस्ट कंप्लीट दिस पेज बाय योरसेल्फ. थैंक्स फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफिज़.